साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हर साल की तरह हिमालय पर्वत पर अपनी पिलग्रिमेज के लिए निकल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों एक दशक से जा रहे हैं रजनीकांत हिमालय पर? रजनीकांत के सभी फैंस ये बात जानते हैं कि हर साल वो उत्तराखंड के दुनागिरी पर्वत पर तपस्या करने हिमालय की ओर चले जाते हैं। इस बार भी वो इस तपस्या के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो 2 हफ्तों से ज्यादा तक उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हिमालय के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि हर साल रजनीकांत उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाते हैं। यहाँ वो बाकी कई ऋषि मुनियों के साथ योग करते हैं। माना जाता है कि रजनीकांत दुनागिरी पर्वत के अंदर बाकी तपस्वियों के साथ अपनी तपस्या करते हैं और फिर मन की शांति मिलने के बाद वो वापस आ जाते हैं। इस बार उनकी वहां जाने की वजह बताई जा रही है उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। हाल ही में रजनीकांत ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की थी। इसके अलावा उनकी 2 बड़ी फिल्में यानी काला और 2.0 भी इसी साल रिलीज होने वाली है। माना जाता है कि रजनीकांत ने ऐसा करना उस वक्त से शुरू किया था जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी नामक एक एंशियंट ऋषि से रूबरू हुए थे। उन्होंने इस महाअवतार बाबा जी से प्रभावित होकर 2002 में बाबा नामक एक फिल्म भी बनाई थी। उस समय से ही रजनीकांत हिमालय पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या हर साल करते हैं और ऐसा वो 10 से भी ज्यादा सालों से कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।